दोस्तों, बैंक बैलेंस चेक करना अब आसान हो गया है। अपने आधार नंबर से भी आप बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। इस एपिसोड में आगे हम आपको आधार नंबर से बैंक बैलेंस चेक करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दिए गए स्टेप को फॉलो करके आप भी अपने आधार से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, कहीं से भी और कभी भी। तो पहला स्टेप है कि बैंक में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर से *99*99*1# पर डायल करें। इस नंबर को आप अपने मोबाइल नंबर में सेव कर दीजिएगा। दूसरा स्टेप, सत्यापन के लिए अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर दर्ज कीजिए। आपको बता दूं कि आधार 12 अंकों वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या है, जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI जारी करता है। स्टेप तीसरा, अपने आधार नंबर को दोबारा दर्ज करके पुष्टि करें। और स्टेप चौथा, आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित बैंक बैलेंस के साथ UIDAI की ओर से एक SMS प्राप्त होगा। तो इस तरह से 4 स्टेप में आप अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करते हुए जो नंबर मैंने आपको बताया है वहां पर डायल करके अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों न हो, आप अपने आधार से उस नंबर पर डायल करके बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी। इस सुविधा का फायदा स्मार्टफोन के साथ साथ साधारण मोबाइल फोन रखने वाले भी उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका आधार नंबर आपके बैंक और आपके मोबाइल नंबर से लिंक होने चाहिए। इस सुविधा से दिव्यांग, सीनियर सिटीजन, साधारण मोबाइल फोन रखने वालों और बैंक जाने में असक्षम लोगों के लिए बैंक बैलेंस जानना आसान हो जाएगा, उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार को लेकर के एक और बहुत ही जरूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2023 तक आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर लिंक करना है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन बेकार हो जाएगा। हालांकि इसके लिए जुर्माना देना होगा। बिना जुर्माने के 31 मार्च 2022 तक पैन आधार जोड़ने की आखिरी तारीख थी। तो आधार से नहीं जोड़ने की सूरत में पैन 1 अप्रैल 2023 से बेकार हो जाएगा, यानी काम नहीं करेगा और आपको फिर से नया पैन बनवाना होगा। पैन क्या है? तो पैन 10 कैरेक्टर जिसमें कि अल्फा और न्यूमेरिक शामिल है वाली पहचान संख्या है, जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। और आधार 12 अंकों वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या है, जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI जारी करता है। पैन और आधार को आप ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन यानी घर बैठे कैसे लिंक करना है उसकी जानकारी मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। तो ऑनलाइन आप इनकम टैक्स की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट से या फिर SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स की आधिकारिक ई फाइलिंग वेबसाइट है www.incometax.gov.in। तो उसके होम पेज पर आपको जाना है और वहां पर आपको लिंक आधार सेक्शन मिलेगा और उस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उसमें पैन, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसको भरना है और लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें शो होगा कि पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। SMS के जरिए कैसे लिंक करेंगे? तो SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 561661 पर मैसेज भेजकर आधार को पैन कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। तरीका आसान है। SMS के जरिए पैन आधार लिंक करने के लिए मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPN टाइप करना है। UIDPN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर
और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है और फिर उसे 5 6 7 6 7 8 या 5 6 1 6 1 पर भेज देना है। इतना करने के बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा। अब ऑफलाइन कैसे पैन को आधार से लिंक करेंगे वो भी जान लीजिए। पैन सर्विस प्रोवाइडर NSDL या फिर UTI ITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म एनेक्सर 1 भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी। यह प्रक्रिया निःशुल्क नहीं है, आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं इस पर भी निर्भर करेगा। आपको बता दो, पैन को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर ले कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर ना हो। अब है कि पैन और आधार आपका लिंक है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, तो इसकी भी जानकारी ले लीजिए। तो सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए सबसे ऊपर में ही बाईं तरफ दिए गए विकल्प क्लिक हेयर पर क्लिक करें। नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें, अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर आपका पैन आधार लिंक है तो लिख कर आएगा योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर। अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो तुरंत करा लें। अब है कि तय समय सीमा पर पैन आधार लिंक नहीं होने पर क्या होगा। तो आयकर कानून की धारा 272B के तहत यदि तय समय सीमा में आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया गया तो ₹10,000 की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग की ओर से यह समझा जाएगा कि आपका पैन तय नियमों के अनुरूप नहीं है। अब है कि पैन कहां कहां जरूरी होता है। तो पहला, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन जरूरी है। दूसरा, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए या पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए पैन जरूरी होता है। तीसरा, किसी भी वाहन को खरीदते या बेचते समय पैन की जरूरत होती है। चौथा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय पैन होना जरूरी होता है। पांचवा, डीमैट अकाउंट खोलते समय पैन जरूरी होता है। आपको बता दूं कि शेयर बाजार, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी होता है और सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ ही डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। छठा, किसी होटल या रेस्टोरेंट का बिल एक समय में ₹50,000 या उससे अधिक की राशि का भुगतान करते समय पैन जरूरी है। सातवा, किसी विदेशी यात्रा के लिए या किसी विदेशी करेंसी को खरीदने के लिए ₹50,000 से ज्यादा का भुगतान करते समय पैन बताना जरूरी होता है। आठवां, म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर या बॉन्ड में ₹50,000 से ज्यादा निवेश पर पैन जरूरी होता है। एक दिन में अपने बैंक में ₹50,000 से ज्यादा की राशि जमा करने पर पैन जरूरी होता है। दसवां, एक दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट खरीदने या पे ऑर्डर या बैंकर चेक के लिए बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक को ₹50,000 या उससे ज्यादा का भुगतान करते समय पैन जरूरी होता है। 11, FD एक बार में 50,000 से ज्यादा या एक वित्त वर्ष में 5,00,000 से ज्यादा होने पर पैन जरूरी होता है। 12, एक वित्त वर्ष में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन चाहिए। 13, शेयर के अलावा सिक्योरिटी खरीदते या बेचते समय 1,00,000 से ज्यादा का एक ट्रांजेक्शन करने पर पैन जरूरी होता है। 14, काम जो पैन के बिना नहीं हो सकता है, 10,00,000 से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने या बेचने पर पैन जरूरी होता है। 15, काम जो पैन के बिना नहीं हो सकता है, किसी चीज या सर्विस के लिए एक वस्तु पर 2,00,000 से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन जरूरी होता है। 16, काम इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पैन जरूरी होता है। 17, काम पहचान प्रूफ यानी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन जरूरी होता है। 18, काम लोन लेने के लिए पैन जरूरी होता है। 19, काम लोन पर सब्सिडी के लिए पैन जरूरी होता है। तो इसलिए पैन को रद्द होने से बचाइए, जुर्माना के साथ 31 मार्च 2023 तक पैन आधार लिंक करवा लीजिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।